वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी उदयपुर में कांग्रेस के मंथन शिविर में भाग लेने आए हुए हैं। खास बात यह है कि पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के उन नाराज कांग्रेसी नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने कांग्रेस में बदलाव के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस पूरे मामले पर एपीएन न्यूज संवाददाता मनीष राज सिंह ने पृथ्वीराज चव्हाण से खास बातचीत की। जो ये शिविर होने जा रहा है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि असंतुष्ट गुट जो हैं उनके विचारों को हवा देने के लिए है या उनको दूर करने के लिए है? कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी इसीलिए हुई थी एवं की थ्योरी की वजह से, उन जो थ्योरी है उनकी कि कांग्रेस जो है उस वक्त भारतीय असंतुष्टों को ठीक है, ये आपकी आपकी थ्योरी है, आप अपने पास रखिए। हमने कोविड के कारण कांग्रेस अध्यक्षा को एक पत्र लिखा था, गोपनीय पत्र लिखा था जो प्रकट हो गया था, उसमें यही कहा था कि भी हमको बड़ी ताकत से लड़ने की जरूरत है, कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण समय का नेतृत्व होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए, चुनाव से जो कांग्रेस के संविधान के अनुसार जो भी पद है उसको भरा जाए। और जो बात मान ली गई है, हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और चिंतन शिविर की जो मांग थी उसको पूरा कर लिया गया। तो कमेटी में बदलाव हो रहे हैं ये बात सामने आई है, ये आपको पता है? मुझे नहीं पता। जो जो अध्यक्ष पद की बात हो रही है उसमें चर्चा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद, ये आपकी चर्चा है, हमारे यहाँ तो कोई चर्चा नहीं। मैं तो वही बताऊंगा जो हमारे कमेटी में जो बात हुई थी, बाहर की बातें तो आप बताइए। ईवीएम के सुधारों को लेकर के जो आप कह रहे हैं वो आखिर मूल उसका मुद्दा क्या है? नहीं, हमने ईवीएम की वजह से चुनाव हैक हो रहे हैं ये मुद्दा रखा है, मेरे कुछ साथियों ने रखा है। तो राजस्थान में फिर ईवीएम के चुनाव वही रहेंगे? मैंने कहा ना कि हमारी कुछ भी हम गुजारिश करेंगे, पिटीशन करेंगे, अर्जी देंगे तो नरेंद्र मोदी तो बदलने वाले नहीं है, तो हमको उनको हटाना पड़ेगा सत्ता से, तब हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर हम जीतेंगे और जब हम जीतेंगे तब ईवीएम को हटाकर हम पेपर बैलेट पे जाएंगे। सर, इनका कहना है कि ईवीएम को हटाकर कि हम पेपर बैलेट पे जाएंगे और ईवीएम की हैक होने की संभावना है और इस मुद्दे को हम मुख्य रूप से उठाएंगे। कैमरामैन भोपाल के साथ मनीष राज सिंह, एपीएन न्यूज़।